Hello my dear friends, my name is Manavendra Jeevan and this video is for class 7, chapter 2nd. Yes, class 7 के लिए chapter 2nd है ये video और इस video में मैं chapter 2nd शुरू भी करूँगा और complete भी कर दूँगा. Chapter 7 में जो chapter 2nd में आपका maximum 90% matter lab का है, यानी कि आपको मुझे demo करके या lab में ही ये चीज़ करवानी चाहिए थी, लेकिन चूंकि लॉकडाउन है तो मुझे ऑनलाइन क्लास लेना मेरी मजबूरी है और आपको भी लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लासेस पढ़ना आपकी भी मजबूरी है. खैर, तो मैं इन सारे टॉपिक को समझा देता हूं, लेकिन जब भी स्कूल खुलेगा तो मैं इसको लैब में कवर कर दूंगा. ओके, चलिए. पहला ऑप्शन है आपका हाइडिंग टास्क बार. टास्क बार है कि आपका सबसे पहले मैं अपने थोड़े स्क्रीन को समझ लें. ये सब तो क्लास 3 और 4 का टॉपिक है, फिर भी मैं रिवाइज कर देता हूँ. जो फर्स्ट स्क्रीन है आपके कंप्यूटर का, दैट इज कॉल्ड योर डेस्कटॉप. सबसे नीचे वाली जो पट्टी होती है जिसमें आपका स्टार्ट मेनू है, उसके ठीक बाद सर्च बॉक्स आता है. अगर विंडो 2010 है, अगर 2007 है तो ठीक स्टार्ट मेनू के राइट साइड में, थोड़े से राइट साइड में आपको ये मिलेगा क्विक लॉन्च बार. क्विक लॉन्च बार में जो भी आइकन्स होते हैं वो सिंगल क्लिक पर ओपन होते हैं, जबकि डेस्कटॉप पर जो आइकन होते हैं वो डबल क्लिक करने पर ओपन होते हैं. यानी कि डेस्कटॉप पर जो सॉफ्टवेयर या आइकन्स हैं उसको डबल क्लिक करेंगे तब वो ओपन होगा, लेकिन क्विक लॉन्च बार में जो भी टॉपिक्स, जो भी आइकन्स होते हैं वह सिंगल क्लिक पर खुलते हैं. यही सबसे आसान बात है. दूसरा, चूँकि टास्क बार किसी भी विंडो के समय विजिबल होता है तो हम शॉर्टकट सॉफ्टवेयर वहाँ रखते हैं ताकि हमको किसी को मिनिमाइज करने की जरूरत न पड़े और डायरेक्ट मेरा काम हो जाए. ठीक, उसके बाद से थोड़ा सा टास्क बार का एरिया खाली रहता है, इसको ब्लैंक एरिया बोलते हैं. इसके ठीक सबसे राइट पार्ट में सिस्टम ट्रे है, जहाँ पर आपका सिस्टम में क्लॉक दिखाई देता है जिसमें डेट टाइम आता है. राइट, तो इस टास्क बार को हाइडिंग टास्क बार का मतलब कि इस टास्क बार को हाइड करना, यानी कि जब काम हो, जैसे ही आपको आप उस एरिया में जाएंगे तो टास्क बार दिखाई देगा, जैसे ही माउस को ऊपर ले जाएंगे टास्क बार गायब हो जाएगा. तो यह काम हम राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाके इसको यूज कर सकते हैं, और इस ऑप्शन को ऑफ कर देंगे तो यह हाइड हो जाएगा. फिर क्लिक कर देंगे प्रॉपर्टीज़ में जाके तो फिर यह ऑन हो जाएगा. ठीक है, इसी जगह हम टास्क बार को लॉक भी करते हैं. लॉक इसलिए क्योंकि वह बड़ा या छोटा ना हो जाए. यस, आप अपने टास्क बार को छोटा या बड़ा कर सकते हैं. ऐसे इसकी कोई ख़ास अहमियत नहीं है, लेकिन हाँ, मतलब ख़ास अहमियत का मतलब कि इससे कोई काम नहीं होता. यह सिर्फ अपने सिस्टम को थोड़ा सा इंटरटेनमेंट करने के लायक हुआ है. चलिए, खैर, ऑप्शन है तो सीखना चाहिए. पोजीशन ऑफ टास्क बार, आप चाहें तो अपने टास्क बार को ऊपर की तरफ, लेफ्ट या राइट या डाउनवर्ड, लेकिन यूनिवर्सल सबसे बढ़िया जगह होता है सबसे डाउनवर्ड, जहां पर नॉर्मली विंडो में होता है. इसके लिए कुछ नहीं करना होगा, आप अपने टास्क बार पर ब्लैंक एरिया पर लॉन्ग प्रेस कीजिए, उसको उठा के कहीं भी ले जाइए, आपको लेफ्ट राइट अप डाउन कहीं भी जाके सेट कर जाएगा. ओके, थर्ड टॉपिक है स्टार्ट मेनू कॉन्फ़िगरेशन, मतलब स्टार्ट मेनू आपका कैसा दिखे, कौन सा सॉफ्टवेयर उसमें दिखाई देना चाहिए, कौन सा नहीं दिखाई देना. तो स्टार्ट मेनू पर अगर जाके आप राइट क्लिक करेंगे तो स्टार्ट मेनू का सीधे फोल्डर खुल जाता है. यस, स्टार्ट मेनू एक फोल्डर है, कमांड नहीं है, एक फोल्डर की तरह है. डेस्कटॉप भी एक फोल्डर ही है. अगर आप माई डॉक्यूमेंट में जाके देखें तो आपको फोल्डर के रूप में ये दिखाई देगा. तो वहाँ पर जाके जिस सॉफ्टवेयर को आप रखना चाहते हैं कॉपी पेस्ट कर दीजिए, जिसको नहीं रखना चाहते हैं कॉपी पेस्ट में हटा दीजिए, इसको डिलीट कर दीजिए. दैट इज़ योर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ योर स्टार्ट मेनू. इसको और अच्छा से करने के लिए तो लैब में देखना जरूरी है. खैर, मतलब ये कहने का मतलब कॉन्फ़िगरेशन हम कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं, सिर्फ राइट क्लिक और लेफ्ट क्लिक करने की देरी है, कोई टफ जॉब नहीं. ये एक से दो लैब में हो जाएगा. शॉर्टकट, व्हाट इज शॉर्टकट? शॉर्टकट का मतलब होता है कि वह आइकन जो कि सिंगल क्लिक या डबल क्लिक पर सीधे ओपन हो. सपोज मान लो कि आपने डी ड्राइव में अमन के अंदर, सुमन सुमन के अंदर, राजू राजू के अंदर एक फाइल बनाई और आप चाहते हो, जब जब आपको उसका फाइल को देखना होता है तो आप माई कंप्यूटर खोलोगे, फिर सुमन जाओगे, फिर इसके जाओगे, फिर उसके जाओगे, तब वो फाइल अटैच करोगे. क्यों ना आप सीधे उसका सेट, उस फोल्डर का राइट क्लिक कर दो और सेंड क्या करोगे, उस पर राइट क्लिक करो और लिख दो, उस पर एक ऑप्शन आएगा सेंड टू डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट. यानी कि इस फाइल को आप डेस्कटॉप पर सेंड कर दीजिए, यानी कि आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं सिस्टम को और वो शॉर्टकट बन जाएगा. आप सीधे डेस्कटॉप से उसको डबल क्लिक कीजिए, वो फोल्डर सीधे खुल जाएगा, सीधे वो फाइल खुल जाएगी. दैट इज योर शॉर्टकट. आप एप्लीकेशन का भी शॉर्टकट बना सकते हैं.
जनरली जैसे ही आप किसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वह एप्लीकेशन खुद वह शॉर्टकट आपके स्क्रीन पर बना के आपको दे देता है, और वह एक और एक पार्ट स्टार्ट मेनू में भी डाल देता है ताकि आपको मैनुअली सर्च करने की नौबत ना आए। विंडोज अपीयरेंस द नेक्स्ट टॉपिक 5 आपके बुक में है। विंडोज अपीयरेंस का मतलब कि विंडो आपका कैसा लुक में आएगा। आप इस अपीयरेंस में आप उसका कलर चेंज कर सकते हैं, पैटर्न चेंज कर सकते हैं, उसके पीछे का थीम चेंज कर सकते हैं। तो विंडोज अपीयरेंस नाम वो कंट्रोल पैनल में जाके ये डिस्प्ले में जाके ये सेटिंग सारी की जा सकती है। तो दैट इज विंडो अपीयरेंस समझ लीजिए, मतलब कि विंडो का अपीयरेंस आपको अपीयर मीन्स आना, दिखना, शो होना। तो विंडो आपके स्क्रीन पर किस हिसाब से शो करेगा, इस विंडो को हम विंडो अपीयरेंस में लिखते हैं। फिर डेस्कटॉप पर जो वॉलपेपर है उसको चेंज करना, ये बहुत कॉमन बात है। आप किसी भी पिक्चर पर राइट क्लिक कीजिए और उस पर लिखा होगा सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड, बस किसी भी पिक्चर पर राइट क्लिक करना है, सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड पर क्लिक करना, वो वॉलपेपर आपका सेट हो जाएगा सिस्टम पर। अब बचा स्क्रीन सेवर, स्क्रीन सेवर राइट क्लिक करेंगे तो आपको सेटिंग में आएगा, प्रॉपर्टीज में जाइएगा, प्रॉपर्टी में जाके आप स्क्रीन सेवर यानी कि आपका इस अगर काम नहीं करें तो आपका एक नेम 3D में आए या कुछ खास तस्वीरों का एक फोल्डर टाइम टू टाइम मूव करे, दैट इज स्क्रीन सेवर। यानी कि जब आप काम नहीं कर रहे हो हर 10 मिनट के बाद या हर 5 मिनट के बाद स्क्रीन आपका एक खास इवेंट प्ले करे, दैट इज स्क्रीन सेवर। नाउ अरेंज मल्टीपल विंडो, ये भी एक टॉपिक है। नंबर 7 मतलब अगर आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, 2-3 फोल्डर, एक कैमरा, VLC ये सब खोल के रखें और आप चाहते हैं कि ये सारे एक जैसे एक ही स्क्रीन में एडजस्ट हो जाए, तो इसके 2-3 तरीके हैं। पहला है इस पर आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है और डेस्कटॉप टास्क बार पर, और उस पर एक ऑप्शन आता है टाइल विथ कैस्केड। कैस्केड का मतलब सब कैसेट की तरह एक बुक के ऊपर एक बुक के ऊपर आ जाएगी, तो ये दिखने में भी खूबसूरत लगेगा। और जो सबसे लास्ट जिस पर आप काम कर रहे हैं उस पर क्लिक कीजिए, उस पर काम कीजिए, बाकी सारे पीछे आपके कैस्केड की तरह अरेंज रहे। सेकंड, अब आप चाहते हैं कि नहीं सारे के सारे आपके स्क्रीन पर खुले दिखाई देने चाहिए, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, हॉरिजेंटल टाइल हॉरिजेंटली उसको अरेंज करना होगा। तो हॉरिजेंटल में क्या होगा, सारा एक दूसरे के ऊपर, मतलब एक ही स्क्रीन में एक दूसरे के ऊपर छोटे 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 छोटे, अगर आपका 10 एप्लीकेशन खुला तो 10 एक ही स्क्रीन पर कैसेट की तरह सज जाएगा खड़े में, सॉरी हाँ मतलब एक कॉलम के हिसाब से। फिर इस तरह से वर्टिकली, वर्टिकली में लंबे में, पूरे स्क्रीन में लंबे में, तो कैसकेट और सॉरी हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली, इस तरह से अरेंज होगा। दैट इज अरेंज मल्टीपल विंडो। इसमें अगर आप 4 या 5 विंडो को अरेंज करें तो ज़्यादा बेटर दिखता है, लेकिन आप 25 कर दें तो हमको लगता है कि दिखाई नहीं देगा कौन सा विंडो है, सिर्फ टास्क, सिर्फ उसका टाइटल बार दिखाई देगा, सारे सॉफ्टवेयर का सिर्फ टाइटल बार दिखाई देगा। नाउ फोल्डर ऑप्शन, ये लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का। फोल्डर ऑप्शन में क्या होता है कि बहुत सारे फोल्डर ऐसे होते हैं या फाइल्स ऐसी होती हैं जो सिस्टम छिपा के रखता है, या इवन आप भी अपने फाइल को छिपाना चाहते हो तो हाइड कर देते हैं। तो फोल्डर ऑप्शन में कई ऑप्शंस आपको मिलेंगे जो फोल्डर रिलेटेड हैं, कि फोल्डर अपीयरेंस, फोल्डर के साथ सिस्टम कैसे काम करेगा, कौन क्या एक्सटेंशन दिखाई देना चाहिए फाइल की, नहीं दिखाई देना चाहिए, किस फाइल का कौन सा आइकॉन सेट हुआ है, ये सारे ऑप्शन उसमें 4-5 टैब हैं। उस टैब को हर एक जितने उसमें डेप्थ में जाएंगे, जितनी गहराई में जाएंगे उतना ही बढ़िया चीज़ सीखेंगे आप। तो नॉर्मली आपके टेक्स्ट बुक में जितना है, फोल्डर ऑप्शन के हाइड ऑप्शन को देखना, एक्सटेंशन ऑप्शन को देखना, 2-3 और ऑप्शन देखना, लेकिन अगर डेमो हुआ और आपके जब मैं लैब हो जा तो मैं बहुत और सारी चीज़ें भी बता दूंगा। सो इस वीडियो में इतना ही, यानी कि अपने विंडो को कैसे कस्टमाइज करेंगे, कैसे अरेंज करेंगे, उसका अपीयरेंस कैसा होना चाहिए, फोल्डर और शॉर्टकट कैसे बनेगा, इन सब सारी टिप चीज़ों को मैंने आपको कवर किया। 2 से 3 दिन के अंदर चैप्टर 2 का क्वेश्चन आंसर मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप क्वेश्चन आंसर अपने कॉपी में, ऑब्जेक्टिव आप बुक में बनाइए अगर बुक खरीद लिए हो, नहीं तो सारी कॉपी में लिखिए, याद कर लीजिए ताकि आपको अपने टेस्ट में दिक्कत ना हो। ओके, स्टे होम, स्टे हेल्दी, जय हिंद।